अवैध नशा के विरुद्ध अभियान निजात के दौरान कार्यवाही तारबहार पुलिस ACCU एवं बिलासपुर की संयुक्त कार्यवाही 6 किलो गांजा के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग गिरफ्तार। संबलपुर झारसुगुड़ा और बिलासपुर में किराया के रूम में डंप करते थे गांजा और करते थे लोकल सप्लाई। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन संदीप कुमार पटेल के मार्गदर्शन में अवैध नशा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सूचना मिला कि बिलासपुर में लगातार हो रही कार्यवाही से अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले ज्यादातर लोग जेल में हैं या अवैध कार्य बंद कर चुके हैं, इसलिए बाहरी राज्य के व्यक्ति शहर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी खरीदी बिक्री के लिए कमरा किराया लेकर रह रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम तैयार कर रेड कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। कार्यवाही को संपादित कर रही थाना तारबहार ACCU और DW की टीम को रेलवे स्टेशन बिलासपुर पार्शल गेट के पास स्थित साईं मंदिर तारबहार के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जो आदिल खान पिता अफजल खान गणेश नगर व्यक्ति के घर पर किराए से रह रहे थे। आदिल खान के घर को आजाद आलम उत्तर प्रदेश ने किराया पर लिया था। तीनों व्यक्ति से विधिवत सूक्ष्मता से पूछताछ करने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा रखना बताए, जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया है। पूछताछ करने पर मादक पदार्थ बिक्री करने के लिए किससे मिला, इसे खरीदने और उपयोग करने वालों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस संबंध में तकनीकी जानकारी एकत्र की जा रही है।